दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज से रिलेटेड होंगे, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आप अपनी स्पीड चेक कीजिएगा कि आप एग्ज़ाम के लिए आप अपने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए। एमएन मतलब ये देखिए, ये दर्पण है, इसको एमएन रेखा पर रखा जा रहा है। तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा? तो गाइस देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है और ये आपकी ये उत्तर आकृतियाँ हैं, इनमें से आपको चार ऑप्शन में चूज करना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब को समझने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर मिरर इमेज लगा होता है तो कोई भी चीज़ होती है वो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है। जैसे कि अगर आप ए बनाना चाहें तो ए का तो वही रहेगा, लेकिन आप बी अगर बनाएं दर्पण प्रतिबिंब में तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा। इसी प्रकार इसमें दिया गया है एन, तो एन का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। ओके, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा, और ये जो ऐसा है, ये वाला जो डंडा ऐसा है वो ऐसे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृतियों में आपको चुनना है और बीच में मिरर इमेज लगा हुआ है, तो मिरर इमेज में आपका प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो इधर जा रहा है कोना वो आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, तो देखिए किस में ऐसा कोना है जो आपका ये वाला कोना है वो आपका ऐसे हो जाएगा इधर तरफ। तो दोस्तों देखिए, एक तो इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें है, मतलब उल्टा जो प्रतिबिंब तीन में बनना है लेकिन ये वाला इसमें नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और बाकी तीन में हो सकता है। और देखिए दोस्तों, ये वाला जो नीचे वाला कोना है आपका ऐसे जा रहा है वो आपका कैसा हो जाएगा? ऐसे। तो दोस्तों देखिए, एक इसमें है कोना, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, लेकिन ये जो बीच वाला आपको पोर्शन लग रहा होगा इतना देखिए, ये और ये वाला, ये कोना कैसा होगा? ऐसा ही रहेगा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बीच वाले का। तो दोस्तों देखिए, इसमें तो अलग टाइप का बना हुआ है, इसमें देखिए आयत बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो चेंजमेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, प्रश्न आकृति है, बीच में मिरर इमेज एमएन लगा हुआ है और आपको उत्तर आकृतियाँ में से कोई एक चुनना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें देखिए कि पहले वाले खाने में क्या है, 2, 4, 6, 3, 5, 7। तो सबसे पहले आपको आसान तरीका बताऊँगा जिससे कि आप अपनी उत्तर आकृति को पहचान सकते हैं। ये जो आपका दो है वो जो उत्तर आकृति होगा वो दो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और उसका उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दो को उल्टा कैसे बनाते हैं? ऐसे और ऐसे। ओके, अगर ऐसा चिन्ह जिसमें भी इस जगह पे मिले तो आप उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक तो इसमें मिल रहा है ए वाले में और आपको एक सी वाले में मिल रहा है, हो गया। अब देखिए कि आपको क्या करना है, सात लास्ट वाले में सात आइए, सात का अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर उल्टा बनाए तो आपका ऐसा बनेगा, ऐसा। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन सी में आपका बनना है सात, लेकिन ऑप्शन ए में सात बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा इसमें प्रश्न आकृति में दिया हो, इसमें उल्टा प्रतिबिंब नहीं बना है लेकिन सी वाले पोर्शन में आपका बना हुआ है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रश्न आकृति में आपका एक सिंबल मतलब चित्र दिया हुआ है और बीच में मिरर इमेज लगा दिया गया है और आपको उत्तर आकृति से एक चिन्ह को चुनना है, एक ऑप्शन को चुनना है। तो गाइस देखिए, इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन इतना, ये जो इतना पोर्शन है और ऊपर जो बना हुआ है वो देखिए उल्टा बन गया इसका, ये पूरा इतना बन गया, और जो अंदर जो वाला जो पोर्शन है ये बना हुआ है वो भी ये आ गया हमारा। अब देखिए त्रिभुज वाले का खेल देखते हैं, ये त्रिभुज जो है हमारा, ये भी त्रिभुज आपका बन गया और अंदर जो आपका ऐसा ऐसा है, ऐसा चिन्ह है वो भी आपका अंदर ऐसा बना हुआ है।
ओके, अगर आप देखिए ऐसे चिन्ह को अगर आप उल्टा बनाएंगे ऐसा ही बनेगा, लेकिन आपका आंसर तो ये हो गया। लेकिन बी वाले में देखिए, ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन जो है वैसा कि वैसा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब सी वाले में देखते हैं, ये वाला आपका चलो इतना हो गया उल्टा, और ये जो चिन्ह है नन्हे नन्हे छोटे छोटे वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। अब बात करते हैं इस वाले की, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है, इसमें देखिए दीवार से चिपक गया, तो आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन आपका इसमें देखिए, इसमें ऐसा फिगर बन गया, लेकिन जो यहाँ पे देखिए एक डलाई जैसी है, लेकिन इसमें एक सर्कल बना है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है पाँचवा, आपका एक फिगर प्रश्न आकृति है और बीच में मिरर इमेज लगा दिया गया, और आपको उत्तर आकृति को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों देखिए, ये आपका पोर्शन जो है ये वाला, ये आपका पोर्शन अगर मिरर इमेज लगा के देखेंगे तो आपका ऐसा बनेगा। तो आंसर तो आपका देखिए ये ए वाला हो जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ उस पहचानने का। ये जो बना हुआ है आकृति वो ऐसी बनेगी मिरर इमेज में, लेकिन जो ये वाला फिगर है ये, और आगे ये चाबी जैसी बनी है, ये चाबी आपका पलट जाएगी, इधर तरफ आ जाएगी, देखिए बन गया इसमें, और ये वाला इतना पोर्शन है वो भी उल्टा हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे बना हुआ है चाबी, ये अगर मिरर इमेज लगा के करें तो ये ऐसी बनेगी, ऐसी। ओके, और ये वाला आंसर तो आपका सही हो गया, लेकिन ऐसी आकृति आपको बी में भी दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं? तो आपका वी वाला भी आंसर हो सकता है, और ऐसी आकृति आपको डी में भी दिख रही होगी, लेकिन जो सी में है वैसा ही दिया है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। डी वाला देखिए, आपको प्रश्न आकृति में ये जो चतुर्भुज बना है इसके अंदर सर्कल बना है इसमें, लेकिन सर्कल नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब ए और बी में कन्फ्यूजन है। ओके, तो इसको कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? आप देख सकते हैं ये जो चाबी है ये छू रही है नीचे वाले खाने को, लेकिन ये वाली इसमें जो चाबी है वो ऊपर वाले को छू रही है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है छठा, ये प्रश्न आकृति है और बीच में आपका क्या लगाया गया है, मिरर इमेज, और आपको उत्तर आकृति से आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका जो चिन्ह है ये रस्सी जैसी गई है, ये चिन्ह थोड़ा सा सर्कल जैसा घूमा हुआ, अगर मिरर इमेज लगा के देखेंगे तो ये वाला जो गोल वाला है यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसमें आ गया गोल वाला, और इसमें देखिए एरो है तो ये वाला नहीं होगा, और इसमें वैसा ही धरा ये भी गलत हो जाएगा। और सी डी वाले में देखिए दोस्तों, आपका ये गोला तो है लेकिन रंगीन है, ब्लैक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए ये एरो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला एरो यहाँ पे है, तो आंसर ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति है और बीच में मिरर इमेज लगा दिया, उत्तर आकृति से आपको एक चुनना है सही वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और आपको पहचानने का तरीका भी बताऊँगा। अगर देखिए ये वाला जो फूल बना हुआ है आपको टेढ़ा झुका हुआ है, ओके, और मिरर इमेज अगर लगाते हैं तो ये आपका ऐसा फूल है, तो ये मिरर इमेज में इधर तरफ दिखाएगा, मतलब पूरा बताते हैं ये इधर झुका जा रहा है फूल, तो मिरर इमेज में इधर झुकेगा। ओके, तो दोस्तों देखिए इधर जो झुका हुआ फूल किस में है, इस दूसरे बी सी में भी है और डी में भी है। ओके, तो ए वाले में नहीं, तो ए वाला आंसर आपका नहीं होगा। तो बी वाला तो आपका आंसर था वो पता है, लेकिन सी वाले में भी झुका फूल है और डी वाले में भी झुका फूल है, लेकिन ये गमले में जो मिट्टी होती है इसके अंदर कोई भी आकृति नहीं है, लेकिन इसमें आकृति दे रहा है और इसमें भी आकृति दे रहा है, तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, लेकिन जो ऑप्शन बी वाला है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नौवां क्वेश्चन, आठवां जो क्वेश्चन है आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है कि बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपकी प्रश्न आकृति है और बीच में मिरर इमेज लगा दिया गया है, और आपको उत्तर आकृति से एक आकृति को चुनना है। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, ये जो एक्स है ये एक्स इधर है, तो एक्स ये इधर आना चाहिए इधर तरफ। तो दोस्तों देखिए इधर तरफ कौन कौन से एक्स हैं, इसमें नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन सी और डी में है। ओके, अब देखिए ये जो बिंदी है आपकी बिंदी, और बिंदी के अंदर बिंदी, तो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, तो देखिए इसमें भी है
और इसमें भी है। ओके, तो आपके सी या डी में से आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अब ये आपकी जो बीच में जो आकृति है, ऊपर से जो पतली हो गई है और नीचे आके मोटी हो गई है, ओके, तो आपकी आकृति ये ऐसी है, तो ये ऐसी हो जाएगी। ओके, मतलब यहाँ से जुड़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये जुड़ गई और यहाँ से एक ये जुड़ गई, लेकिन यहाँ पे जो पतली है तो यहाँ पर भी तो पतली होनी चाहिए, लेकिन सी वाले में ये मोटी है, तो सी वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आकृति है और बीच में मिरर इमेज लगा दिया गया और आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, दो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आंसर देने में आसानी हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।